रेवंत रेड्डी ने मलकाजगिरी संसदीय उम्मीदवार पट्टम सुनीता महेंद्र रेड्डी के समर्थन में स्थानीय नगर सेवक रंजीता परमेश्वर रेड्डी के साथ एक रोड शो में भाग लिया। वहीं रोड शो में बड़ी संख्या में कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रम आर्क ने कहा है कि बिजली विभाग के कुशल कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन करने और सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति प्रदान करने के कारण बिजली की मांग में काफी वृद्धि हो गई है। उन्होंने कहा है कि भले ही मांग की खपत पहले की तरह बढ़ रही है, लेकिन उनके कर्मचारी लगातार सतर्क में हैं और बिना किसी रुकावट के एक मिनट भी काम कर रहे हैं। वहीं डिप्टी सीएम भट्टी ने स्पष्ट किया है कि कांग्रेस सरकार में पर्याप्त बिजली मिलेगी। हुसनाबाद में बीएलआर सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र में संबंधित सैदापुर भीम देवरपल्ली और इलका तुर्थी मंडल के प्रमुख कार्यकर्ताओं की बैठक हुई है। वहीं समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री पूनम प्रभाकर शामिल हुए। मंत्री ने कार्यकर्ताओं को हर बूथ पे बहुमत हासिल करने का निर्देश दिया है। वहीं क्योंकि चुनाव में समय कम है, अब पार्टी में नए शामिल हुए नेताओं के बीच समन्वय बनने का सुझाव दिया है। इस बैठक में मंडल अध्यक्ष, ग्राम शाखा अध्यक्ष, क्लस्टर प्रभारी, बूथ प्रभारी और अन्य प्रमुख नेता शामिल हुए। बीआरएस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सनसनीखेज आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें भी जेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन उन लोगों में से एक है जिन्होंने मोदी की बात नहीं मानी है और भले ही उन दोनों को जेल भेज दिया जाएगा जैसे कि उन्होंने सोचा था, लेकिन मोदी उन्हें ढूंढ नहीं पाएंगे क्योंकि उन्होंने कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं किया है। वहीं लोकसभा चुनाव प्रचार के तहत कल जगत्याल में प्रचार करने वाले केसीआर ने इनाडू एटीवी को दिए गए एक विशेष साक्षात्कार में ये टिप्पणियां की है। वहीं दोया ने कहा है कि दिल्ली शराब कांड मोदी की भ्रष्टाचार का सबूत है। आरोप है कि उन्होंने शराब नीति में घोटाला किया और उसमें कविता को भी शामिल किया गया। बीजेपी ने तेलंगाना पर खास फोकस किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना आने वाले हैं, जबकि पार्टी के शीर्ष नेता पहले से ही राज्य का दौरा कर रहे हैं। वह करीमनगर और वारंगल जिलों का दौरा करेंगे। इसी पृष्ठभूमि में बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे सनसनीखेज टिप्पणियां की है। जी हां, केटीआर ने ट्वीट पे मोदी पे निशाना साधा, कहा कि कृपया इस पवित्र भूमि पे जहर न फैलाएं। वे लोगों को ये बताना चाहते हैं कि दशकों में क्या किया गया है और वोट मांगना चाहते हैं। इस मौके पे केटीआर ने पूरे तेलंगाना समुदाय की ओर से मोदी से कुछ सवाल किए। बीआरएस संसदीय चुनाव प्रचार में तेजी से जुटा हुआ है। वहीं रोज किसी आलतूफानी दौरे से प्रचार अपना कर रहे हैं। वह जीत के लक्ष्य के साथ बीआरएस उम्मीदवार के समर्थन पे बड़े पैमाने पे प्रचार कर रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस की आलोचना कर रहे हैं। उसी के तहत बीआरएस पार्टी के नेता केसीआर इस महीने की 10 तारीख को सिद्धिपेट में एक रोड शो करेंगे। पिंक आर्मी से सफल बनाने के लिए तैयारियों में जुट गई है। पूर्व मंत्री सिद्धिपेट विधायक हरीश राव ने केसीआर सभा की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया है। वहीं व्यवस्थाओं पर कई सुझाव दिए हैं। इस बीच ये क्या थे कि केसीआर ने संसदीय चुनाव की पृष्ठभूमि में बीआरएस उम्मीदवार को जिताने के उद्देश्य से 24 अप्रैल को बस यात्रा शुरू की थी। वहीं नेता की बस यात्रा को लोगों से खास प्रतिक्रिया मिल रही है। पेदापल्ली लोकसभा से बीआरएस उम्मीदवार कोपुला ईश्वर ने कहा है कि कार्यकर्ताओं को बीआरएस पार्टी को वोट देना चाहिए, जिसने सिंगरेनी कार्यकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया है। वहीं रामागुडम सिंगरेनी कंपनी ने पार्टी लाइन के साथ जीडीके 2A कोयला खदान पर चुनाव अभियान चलाया है। वहीं कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया गया है कि वे मिलकर कार चिन्हित के लिए वोट करें। उन्होंने याद दिलाया कि केसीआर के कार्यकाल में सिंगरेनी कार्यकर्ताओं से जुड़ी करीब 20 समस्याओं का समाधान किया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि 19,000 आश्रितों को नौकरी दी जाएगी। वहीं सिंगरेनी श्रमिकों को कंपनी के मुनाफे में हिस्सा और घर निर्माण के लिए 10 लाख का ब्याज मुफ्त राशन दिया जाएगा। मलकाजगिरी से बीजेपी सांसद उम्मीदवार इटेला राजेंद्र ने कहा है कि रेवंत रेड्डी अपने मन से बोल रहे हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा है कि उन्होंने बीसी के लिए कुछ भी नहीं किया है, ये मूर्खता है। वहीं इटेला राजेंद्र ने बालाजी नगर में विश्वकर्मा आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया। वह व्यक्ति है जिन्होंने अकेले बीसी के लिए 250 आवासीय विद्यालयों को जीवन दिया। उन्होंने ये भी कहा है कि खाना बंदोष बच्चों को बिना प्रवेश परीक्षा के स्कूलों में प्रवेश दिया जाता है। उन्होंने कहा कि उन्होंने दलित वर्ग के बच्चों के लिए 360 दिन सेवा की।
बीजेपी के सांसद बंडी संजय ने आलोचना करते हुए कहा है कि कांग्रेस को वोट देना परिवार को वोट देने जैसा है। उन्होंने करीमनगर में आयोजित एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उन्होंने मांग की है कि कांग्रेस बताए कि 6 गारंटी लागू क्यों नहीं की गई। वहीं बंडी संजय ने केसीआर पर आरोप लगाया है कि केसीआर नए नाटकों के लिए शुरुआत कर रहे हैं। मोदी ने कहा है कि वह उन्हें गिरफ्तार करना चाह रहे हैं। वहीं भाजपा सरकार भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेगी। केसीआर परिवार भ्रष्टाचार में लिप्त है। वहीं कांग्रेस और बीआरएस सिक्के की कठपुतली है। मैं संपत्ति और अवैध आय पर चर्चा के लिए तैयार हूँ, क्या आप तैयार हैं? वहीं हस्तम पार्टी की तिथि समाप्त हो गई है। उस पार्टी ने अब तक काफी भ्रष्टाचार और अनियमितताएं की है। वहीं जनता को कांग्रेस की चालों से मूर्ख नहीं बनाना चाहिए। वहीं बंडी संजय ने आलोचना की है कि अवैध कमाई से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आम चुनाव के तहत केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने सनत नगर में बाइक रैली निकाली है। उन्होंने सभी देश के लिए इस चुनाव में जिम्मेदारी से मतदान करने को आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख को होने वाली बैठक सफल होनी चाहिए। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, देश की अखंडता के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए मोदी और बीजेपी को वोट देकर आशीर्वाद देने को कहा। उन्होंने आलोचना करते हुए कहा है कि ऐसी स्थिति है कि विपक्षी दलों को ये भी पता नहीं है कि मुख्य उम्मीदवार कौन है। कम से कम विपक्षी दल वोट मांगने की स्थिति में नहीं है। उन्होंने कहा कि मोदी भ्रष्टाचार मुफ्त सरकार चला रहे हैं, जिसमें भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं है। पूर्व मंत्री मिर्चल विधायक मल्ला रेड्डी ने दिलचस्प टिप्पणियां की है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने मिर्चल निर्वाचन क्षेत्र के जवाहर नगर और बोजोपल के नगर सेवकों को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा। उन्होंने कहा है कि उन्हें कांग्रेस पार्टी में रहने और बीआरएस के लिए गुप्तचर के रूप में काम करने का आदेश दिया था और उन्होंने कहा कि अगर वह बीआरएस छोड़ करके कांग्रेस में गए तो उन्हें वहां उचित प्राथमिकता या परेशानी नहीं मिल रही थी, लेकिन वह अपने घर वापस आने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि उनकी पुराने कांग्रेस नेताओं से नहीं बन पाई और वे वापस बीआरएस में आ गए। तेलंगाना सरकार ने किसानों को खुशखबरी दी है। जी हां, कृषि विभाग ने फसल निवेशन सहायता के तहत किसानों को प्रदान की जाने वाली रायतु भरोसा निधि जारी की है। अब तक राज्य सरकार ने उन लोगों के लिए धन जारी किया है जिनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है। अब 5 एकड़ से अधिक वाले किसानों को धनराशि जारी कर दी है। जी हाँ, किसानों के खातों में धनराशि जमा की गई है। सरकार ने रायतु भरोसा के तहत 2,000 करोड़ रुपए के फंड जारी किया गया है। इस हद तक जियो को रिलीज कर दिया गया है। कांग्रेस ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि सत्ता में आने पर रायतु भरोसा के तहत 15,000 रुपए देंगे। उन्होंने अपना वादा पूरा किया। देवी रेड्डी ने रेड्डी एसोसिएशन की महिला अध्यक्ष विजेता रेड्डी ने पूछा है कि किशन रेड्डी ने 5 साल से रेड्डीज के साथ क्या किया है। उन्होंने हैदराबाद के नल्ला कुंटा में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। पर्यटन मंत्री रहते हुए किशन रेड्डी ने किसी को रोजगार दिया हो, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। आज मुख्यमंत्री सीएम रेवंत रेड्डी ने केवल निगम स्थापित करने बल्कि हर तरह से उनका समर्थन करने के लिए रेड्डी की प्रशंसा की है। वहीं सांसद के रूप में खड़े किशन रेड्डी को याद दिलाया गया कि वह पहले भी बीआरएस पार्टी से डरते थे। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह इस बार एमपी चुनाव में किशन रेड्डी को हराएंगे और दानम नागेंद्र को जिताएंगे। चवेला सांसद से श्रीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र कुंजापुर आरटीएस कार्यालय में श्रीलिंगमपल्ली विधायक आरके पुरी गांधी के नेतृत्व में एक बड़े पैमाने पर बीआरएस रोड शो का आयोजन किया गया है। इस रोड शो के बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटीआर ने रोड शो में भाग लिया। रोड शो गुलाबों से सजा था। युवाओं ने पटाखे फोड़े और रस्ते में केटीआर का अभूतपूर्ण स्वागत किया है। वहीं श्रीलिंगमपल्ली के नगर सेवक राघव नागेंद्र यादव ने कहा है कि केटीआर ने भाषण को जनता से बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है। वहीं केटीआर का रोड शो जय तेलंगाना हमारा वोट कार चुनाव चिन्हित के नारे के साथ शुरू हुआ। उन्होंने कहा कि कार चुनाव पे चिन्हित के लिए वोट देकर बीआरएस पार्टी द्वारा मजबूत किए गए उम्मीदवार कासनी ज्ञानेश्वर मोदीराज को इस महीने की 13 तारीख को होने वाले संसदीय चुनाव में भारी बहुमत से जिताना चाहिए। आम चुनाव के दौरान आंध्र प्रदेश में राजनीति दिलचस्प हो गई है। जी हां, प्रमुख पार्टियों के नेता ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर जनता के बीच जा रहे हैं। हालांकि ज्ञात है कि जबरदस्त कॉमेडियन और मेगा हीरो ने हाल ही में जनसेना प्रमुख पवन कल्याण की जीत के लिए प्रचार किया है। हाल ही में ऐसा लग रहा है कि पवन कल्याण के बड़े भाई मेगा स्टार चिरंजीवी जीत के लिए एक साथ मैदान में उतरे हैं। इसी क्रम में ट्विटर के प्लेटफॉर्म पे एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जन्मेजयम के विश्वास रखने वाले जनसेनानी जीतने वाले नहीं है। पवन कल्याण ने
अपनी मां की कोख से जन्म लिया और वह सभी की भलाई करने में सबसे आगे हैं। मेरे छोटे भाई कल्याण बाबू अपने से ज्यादा लोगों के बारे में सोचने की मानसिकता रखते हैं। जब कोई सत्ता में आता है तो वह लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कल्याण ने कहा कि कभी अपनी कमाई नहीं बल्कि किसानों के आंसू पोंछने में खर्च करते हैं, वहीं मजदूरों जैसे लोगों की मदद करते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो मदद की है उसे देखते हुए लोगों को ऐसे ही नेता की जरूरत है। संयुक्त किसान मोर्चा ने हैदराबाद सुमाजीगुड़ा में किसानों से अपने लिखित वादों को लागू करने में विफल रहने के लिए बीजेपी को अलग थलग करने का आह्वान किया है। इसमें किसानों और कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट करने के लिए तैयार रहें। उन्होंने चिंता व्यक्त किया है कि केंद्र में मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के कारण 10 सालों में 4,25,000 किसानों और खेतीहर मजदूरों ने आत्महत्या की है। आरोप है कि केंद्र सरकार ने किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाए बल्कि महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्र को कॉरपोरेटर्स को सौंपने की कोशिश की। चुनाव आयोग ने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की सरकार को झटका दिया है। चुनाव आयोग ने रायतू भरोसा फंड जारी करने पे प्रतिबंध लगा दिया है। यह स्पष्ट किया गया है कि धनराशि लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद जारी की जानी चाहिए। एन वेणु कुमार नाम के शख्स ने रायतू भरोसा को लेकर के चुनाव आयोग से शिकायत की है। उन्होंने रायतू भरोसा भुगतान पे रेवंत की टिप्पणियां की और चुनाव आयोग का ध्यान अपने ओर खिंचाई। इस हद तक की शिकायत की जांच करने वाले चुनाव आयोग ने कहा है कि सीएम रेवंत रेड्डी ने चुनाव नियमों का उल्लंघन किया है। रायतू भरोसा फंड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस बीच सरकार ने लोगों के लिए रायतू भरोसा फंड जारी किया है जिसके पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि है। इस हद तक की सरकार किसानों के खातों में नकदी जमा कर रही है। वहीं 5 एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को पहले ही धनराशि जारी कर दी गई है। इस पृष्ठभूमि में चुनाव आयोग ने कहा है कि फंड लोकसभा चुनाव के मतदान के बाद जारी किया जाना चाहिए। सड़क भवन और सिनेमेटोग्राफी मंत्री कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी बात पे कायम रहने वाली पार्टी है। उन्होंने कहा है कि राजनीति रूप से कई उतार चढ़ाव के बावजूद कांग्रेस पार्टी अपने वादे पे कायम रहकर तेलंगाना राज्य की आकांक्षा को पूरा किया है। वहीं मंत्री कोमटी रेड्डी ने आज सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र के साथ समर्थन में रोड शो किया। मंत्री कोमटी रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी शासन में बढ़ती कीमतों से लोग नर्क की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आई तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। वहीं 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 300 के करीब पहुंच जाएगी। मंत्री ने लोगों से धर्म के नाम पर लोगों के बीच विवाद पैदा करने वाली पार्टियों को उखाड़ फेंकने और धर्म निरपेक्ष भावना का प्रदर्शन करने वाली कांग्रेस पार्टी का समर्थन करने का आह्वान किया है। वहीं कांग्रेस जो कहेगी कि वही करेगी। वहीं मंत्री कोमटी रेड्डी ने साफ कर दिया है कि उन्होंने जो किया है वही कहेंगे। मंत्री कोमटी रेड्डी ने सिकंदराबाद संसदीय क्षेत्र के लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार दानम नागेंद्र को भारी बहुमत से जिताकर कांग्रेस पार्टी के संकल्प का समर्थन करने का आह्वान किया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार दानम नागेंद्र, वरिष्ठ कांग्रेस नेता फिरोज खान और अन्य लोग शामिल हुए। बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री केसीआर ने अपनी बस यात्रा एक दिन और बढ़ा दी है। जी हां, केसीआर 11 मई को सुबह 10 बजे गजवेल निर्वाचन क्षेत्र में एक रोड शो करेंगे। इस रोड शो में साथ ही केसीआर की बस यात्रा समाप्त होगी। शेड्यूल के मुताबिक बस यात्रा 10 तारीख को सिद्धिपेट में समाप्त होनी चाहिए। वहीं पार्टी ने बस यात्रा के समापन के अवसर पर सिद्धिपेट में एक विशाल सार्वजनिक बैठक आयोजित करने का निर्णय लिया है। विधानसभा की व्यवस्था चल रही है, हालांकि कार्यक्रम में थोड़ा बदलाव हुआ है और बीआरएस पार्टी ने केसीआर की बस यात्रा एक और दिन बढ़ा दी है। आखिरी दिन केसीआर गजवेल का दौरा करेंगे। वहीं संसदीय चुनाव के साथ भर में केसीआर ने बीआरएस उम्मीदवार को जीतने के उद्देश्य से 24 अप्रैल को बस यात्रा शुरू की। वहीं बीआरएस प्रमुख केसीआर की बस यात्रा को लोग से खास प्रतिक्रिया मिल रही है। लोकसभा चुनाव के दौरान बीआरएस कार्यकर्ता ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। जी हां, पूर्व मंत्री तालासानी श्रीनिवास यादव ने सिकंदराबाद बीआरएस सांसद उम्मीदवार पद्मराव गौर के साथ घर घर जाके अभियान चलाया है। वहीं सनतनगर निर्वाचन क्षेत्र के तहत बंसीलाल पेटा डिवीजन में लोगों से मतदान करने का अनुरोध किया। उन्होंने विश्वास जताया कि हमेशा लोगों के साथ रहने वाली पद्मराव लोगों के आशीर्वाद से सफल होंगे। इस तरह भाजपा प्रत्याशी गद्दम श्रीनिवास यादव ने मतदाताओं से कार चुनाव पे चिन्हित पे वोट देकर जिताने की अपील की है। उन्होंने गोशा महल निर्वाचन क्षेत्र के बशीरबाग में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ प्रचार किया।
विधायक पल्ला राजेश्वर रेड्डी ने कहा है कि नलगुंडा जिले के बीआरएस पार्टी की जीत 100% तय है। वहीं मांझी ने कहा है कि कांग्रेस ने तेलंगाना की जनता से किया एक भी वादा पूरा नहीं किया है। पल्ला राजेश्वरम रेड्डी ने नलगुंडा, खम्मम और वारंगल से बीआरएस एमएलसी उम्मीदवार राकेश रेड्डी नामांकन के अवसर पर नलगुंडा शहर में लक्ष्मी गार्डन में आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में भाग लिया। उन्होंने 5 महीने में एक भी वादा पूरा नहीं करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। उन्होंने बेरोजगारों को जॉब कैलेंडर नहीं दिए जाने पे रोष जताया। प्रकाश गौर ने कहा है कि हम कांग्रेस नेता मोहन रेड्डी की बीसी का अपमान करने वाली टिप्पणियां की कड़ी निंदा करते हैं, जिन बीसी संघों ने इसे चुनौती के रूप में नहीं लिया है। उन्होंने बीसी संघों से जागने और घर घर जाने और कासनी ज्ञानेश्वर पे जीत हासिल करने का प्रयास करने का आह्वान किया। एमएलसी कविता ने सनसनीखेज टिप्पणियां की है। सुनवाई के बाद उन्होंने कोर्ट में परिसर में मीडिया से बात की। वहीं प्रज्वलन रेवन्ना जैसे लोग देश पार कर गए हैं, मेरे जैसे लोग को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने सभी से इस बात पर ध्यान देने का आह्वान किया। राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार एमएलसी कविता की न्यायिक हिरासत इस महीने की 14 तारीख तक बढ़ा दी गई है। वहीं सीबीआई और ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के बाद उनकी याचिका रिमांड अपरिहार्य थी, क्योंकि एक विशेष अदालत ने उन्होंने जमानत से इनकार कर दिया था। चूंकि मौजूदा स्थिति में मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में है, इसलिए ईडी के वकील ने विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा से उनके रिमांड बढ़ाने का अनुरोध किया। विशेष न्यायाधीश को समझाया गया है कि सप्ताह के अंदर उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। वहीं अमीन को ईडी अधिकारियों ने 15 मार्च को हैदराबाद में गिरफ्तार किया था। वहीं नियमों के मुताबिक 60 दिनों के भीतर आरोप पत्र दाखिल करना होता है। इसके मुताबिक इस महीने की 15 तारीख तक कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल करना होगा। इसी कारण विशेष न्यायाधीश ने उसके रिमांड 14 मई तक बढ़ा दी है। बीजेपी सांसद प्रत्याशी रघुनंदन राव ने कहा है कि कांग्रेस आई तो पूरे देश में फिर से बम फूटेंगे। तमिलनाडु बीजेपी अध्यक्ष अन्नामलाई ने रघुनंदन राव के साथ समर्थन में चुनाव प्रचार के तहत संगारेड्डी में आयोजित बाइक रैली में हिस्सा लिया। अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई तो अयोध्या की जगह फिर से बाबरी मस्जिद बनाई जाएगी और पूरे देश में फिर से बम फूटेगा। रघुनंदन राव ने कहा है कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो दिवाली पे ही बम फूटेगा। बीजेपी से राजनीति शुरू करने वाले जग्गारेड्डी ने कहा है कि कोई बीजेपी नहीं है और संगा रेड्डी हिंदुओं के लिए बांधक है। उन्होंने सवाल किया है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अयोध्या के उद्घाटन में क्यों नहीं आए। वहीं रघुनंदन राव ने टिप्पणियां की है कि जग्गा रेड्डी मां का दूध पी रहे हैं और उनकी छाती पे मुक्का मार रहे हैं। वहीं जग्गा रेड्डी का बहिष्कार जग्गा रेड्डी ने नहीं किया है, ये जनता थी जिसने जग्गा रेड्डी का बहिष्कार किया। चविला से सांसद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी अपने वादे पूरे करेगी। चविला सांसद उम्मीदवार रंजीत रेड्डी ने रंगारेड्डी जिले के मोइनाबाद मंडल के चिलकुडू में रोड शो में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। रंजीत रेड्डी ने कहा है कि इस बार कांग्रेस संसदीय चुनाव भारी बहुमत से जीतेगी। लोग ने प्रत्येक कांग्रेस प्रशासक कार्यकर्ता और नेता से ये जिम्मेदारी लेने का आह्वान किया। वहीं चवेला में कांग्रेस उम्मीदवार गद्दम रंजीत रेड्डी ने संसद में भेजा जाएगा। वहीं जनता का कल्याण चाहने वाली कांग्रेस को सत्ता सौंपने के लिए तैयार लोगों की पृष्ठभूमि में हर कार्यकर्ता को जनता के बीच जाकर सत्ता में आने की 3 महीने बाद से ही तेलंगाना में हो रहे कल्याण के बारे में बताने को कहा गया है। नेशनल बीसी वेलफेयर एसोसिएशन की मांग है कि बीसी के लिए संसद में बिल लाया जाए और विधानसभा में बीसी को 50% आरक्षण दिया जाए। कृष्णन ने कहा है कि 33 जिलों में आए अध्यक्षों और नेताओं और बीसी एसोसिएशन ने कहा है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाकर खुश हैं। वहीं आर कृष्णैया ने कहा है कि बीसी के साथ तब तक समान व्यवहार नहीं किया जाता है जब तक सभी पार्टियां उन्हें मतदाता के रूप में नहीं देखती है, इसलिए बीसी के साथ न्याय करने के लिए सांसदों को निलंबित किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर जितेश वी पाटिल ने कामारेड्डी शहर में नगर पालिका कार्यक्रम में स्वीप कार्यक्रम के तहत 5K दौड़ शुरू की है। वहीं 5 किलोमीटर की दौड़ नगर निगम कार्यालय से इंदिरा गांधी स्टेडियम तक जारी रही। इस कार्यक्रम में छात्र छात्राओं ने जमकर भाग लिया। मोटरी के हथियार की तरह है, कलेक्टर ने सुझाव दिया है कि 18 साल की
आयु प्राप्त करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मतदान के अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। इसके बाद इंदिरा गांधी स्टेडियम में सभी को मतदान करने का संकल्प लिया है।